दिवेश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। दिवेश, देखिए सियासत अपनी जगह हो रही है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, लेकिन राज ठाकरे इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं, वो क्यों अलग हो गए हैं इस बैठक से? जी, आपको बता दें कि एमएनएस के जो अधिकृत स्पोक्सपर्सन हैं संदीप देशपांडे, उन्होंने ये जानकारी दी, और जानकारी देते हुए ये कहा कि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है होम मिनिस्टर द्वारा लाउड स्पीकर के इशू पर, उसमें राज ठाकरे शामिल नहीं होंगे। हाँ, एमएनएस के तरफ से बाला नांदगांवकर जो एमएनएस के नेता हैं, नितिन सरदेसाई और संदीप देशपांडे, वो खुद इसमें शामिल होंगे। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है देवेंद्र फडणवीस, वो इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होंगे। पर राज ठाकरे, जिन्होंने ये आह्वान किया था, ये कहा था कि अगर 3 मई तक सारे लाउडस्पीकर हटाए नहीं गए तो वो हर उस जगह पर जहां पर लाउडस्पीकर लगे हैं उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे, लाउडस्पीकर द्वारा हनुमान चालीसा चलाया जाएगा। इसको देखते हुए डीजीपी के साथ होम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस कर्मियों को बुलाया था, वरिष्ठ पुलिस अफसरों को बुलाया था, जिसके बाद होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल ने यह कहा था कि हम इसका रास्ता निकालना चाहते हैं ताकि कोई भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम स्टेट में ना हो। इसको देखते हुए एक सर्वदलीय बैठक हम बुलाएंगे, तो ये पहले कहा जा रहा था कि ये 23 अप्रैल को बुलाई जाएगी, पर उसके बाद 25 अप्रैल की डेट तय की।